नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राज और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से। 25,000 रुपए के दो इनामी अपराधी मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किए गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। SOG और थाना महमूदाबाद की संयुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। इनामिया अपराधी के पास 2 अवैध तमंचे, 4 खोखला अदर कारतूस, 4 कारतूस जिंदा, बिना नंबर की प्लेट, 1 अपाची मोटरसाइकिल, 28,000 रुपए। बदमाशों के पास से पुलिस ने किए बरामद हथियार के दम पर लूट की करते थे दोनों वारदात। गोली लगने से दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने महमूदाबाद स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। पुलिस ने बताया इनामी बदमाशों के ऊपर पहले से भी आपराधिक इतिहास दर्ज है। अधिक से ज्यादा अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज है। महमूदाबाद थाने के पैतेपुर पुल के पास हुई मुठभेड़। थाना महमूदाबाद के अंतर्गत पैतेपुर पुलिया के पास में आज पुलिस की SOG टीम तथा थाना महमूदाबाद पुलिस की टीम के द्वारा 2 अपराधियों को मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों अपराधियों के नाम विनोद पासी व गया प्रसाद हैं। इनके द्वारा एक गिरोह संचालित किया जा रहा था, जिस गिरोह के द्वारा पिछले 1 महीने में जनपद सीतापुर के अंतर्गत कई घटनाएं जिनमें असला लगाकर चोरी किया गया है इस तरह की गई हैं। वो अभी तक इनसे पूछताछ में इनके द्वारा थाना महमूदाबाद, मछरेटा व कमलापुर में की गई घटनाओं को स्वीकार किया गया है। पुलिस के द्वारा जब इनकी रेकी की जा रही थी तो आज यहाँ पुलिया के पास में रात्रि के समय इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से 2 अवैध असले, कुछ जिंदा व दगे हुए कारतूस, इसके साथ में 1 अपाचे मोटरसाइकिल व कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से 25,000 के करीब नकदी भी बरामद हुई है। इनकी और जमा तलाशी कराई जा रही है। इनके गिरोह के 2 सदस्य जिसमें 1 महिला और 1 पुरुष है, इनको भी आज दिन में गिरफ्तार किया गया था, जिनको माननीय न्यायालय पहले ही भेजा जा चुका है। उनसे पूछताछ के क्रम में ही इनकी कार्रवाई का ज्ञान हुआ था और ये पता चला था कि ये लोग महमूदाबाद क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके गिरोह के कुछ अन्य सदस्य भी अभी पुलिस के रडार पर हैं, जिनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस सीतापुर की पुलिस के द्वारा लगातार इस तरह की सख्त कार्रवाई उन बदमाशों के खिलाफ की जाएगी जो लोग जनता में भय फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम में जो टीम शामिल है इनको 25,000 रुपए का इनाम मेरी तरफ से दिया जा रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।